जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती है आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से बेतहाशा दुआ उसरा। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हूँ। आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ इस व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम नहीं, यानी कि सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ रमज़ान की, और आज इंशाल्लाह कल रात को तरावीह शुरू हो जाएंगे और सुबह इंशाल्लाह कल जो है ना रोज़ा हो जाएगा पहला। और दुआ गो के आपको फर्स्ट रमज़ान और लास्ट रमज़ान तक अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अल्लाह पाक उन पर अपना करम और फजल भी अता फरमाए। और ये मैंने दूध बॉयल करके भी रखा है, ठीक है, दूध बॉयल हो गया, और चने भी मैंने बॉयल करके भी रखी हैं, ठीक है। कल टाइम नहीं होगा, और नेक्स्ट मैंने लोबिया बना के रखा है, क्योंकि दो दिन से मुझे बुखार है और नज़ला जुकाम से काफ़ी हुआ हुआ है, तो कुछ खाने नहीं होता है, तो आज मेरे दिल चाह रहा था वो बॉयल कर लेंगे साथ राइस एंड साथ में ये सुर्ख लोबिया बना रही हूँ। सुर्ख लोबिया बन जाएगा इंशाल्लाह, और सुर्ख लोबिया और भिगो के भी रखना है अभी मैंने थोड़ी देर में, ताकि जो है ना हो जाए अच्छे तरीके से, वो फूल जाए, फिर उसको हम चना चाट में भी यूज़ करेंगे, और मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट किस्म की बनाएंगे इंशाल्लाह हम चाट। दही बड़े बनते हैं, रेशियन सैलड बनता है, फ्रूट चाट बनता है, इसके अलावा पकोड़े बनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आलू के पकोड़े, दूसरे पकोड़े, प्याज के पकोड़े, मिक्स आलू और प्याज के पकोड़े बनते हैं, और इसके अलावा मज़ीद हर चीज़ बनती है। और बच्चे, हाँ आज बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे आज, पटना में ले आई थी, मेरे पास टाइम कम था, और दो तीन दिन से भी मैं आप तक बता रही हूँ कि मुझे बुखार था, इस वजह से कोई चीज़ वो मैं दिल चाह रहा था कि मैं घर में पटिया बनाऊं मैदा ला के, लेकिन टाइम अब कम है, कल रोज़ा हो जाएगा तो और काफ़ी सारे काम होते हैं, अकेला बंदा होता है तो आपको पता है कुछ कर नहीं सकता इतना, तो बने हुए समोसे में ले आई हूँ के एन एंस के, और साथ में रोल की पट्टियाँ ले आई हूँ, फिर उसको इंशाल्लाह भी को चिकन के बनाएंगे रोल, और कुछ बनाएंगे वेजिटेबल के, और कुछ बनाएंगे आलू के इंशाल्लाह। और मेरे खाना पकाने वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, और ये तो मेरा था व्लॉग छोटा सा, और वो भी आपके लिए रमज़ान की मुबारक के लिए, और मैं प्लीज़ चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन है रेड वाला होता है, उसको प्रेस करेंगे तो बेल आइकन का निशान होगा, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। जा रहे खुश रहें, आबाद रहें, और पांच वक्त नमाज़ पढ़ते रहें, और यही बाबरकत महीना है, इस पे जो है ना आप जितना आप अल्लाह पाक को करेंगे याद, अल्लाह पाक हमारे सब के, आपके सब के, हम सब के जितने भी अल्लाह पाक हल्के सबीरा को भी रखना माफ़ फरमाए, और अल्लाह पाक बस हदायत दे हर इंसान का, और अल्लाह पाक आपको इस माह मुबारक महीने में रमज़ान में दुआ करूँगी कि डेली अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, और हमें भी अल्लाह पाक अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।